आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक और फिल्टर पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। बीएड की निगेटिविटी को देखते हुए तमाम उन चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो कि भाई को बहनों को बहुत परेशान करते हैं कि वो पीआरटी से पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बाहर हो चुके हैं। आज उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और आप सभी लोगों को पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है, ठीक है ना। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग सकारात्मक रहिए, बी पॉजिटिव। ये ब्लड ग्रुप नहीं है, ये सकारात्मकता का एक मंत्र है, ठीक है ना। जैसे ऑल इज़ वेल बोलने से एक तकलीफ सहने की या डर को सोखने की जो ताकत आ जाती है वो आप उस चीज़ से ही थॉट से ही समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया तो उसमें एक नहीं तीन तीन आदेश हो गए, ठीक है ना। एक छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर के, एक बिहार गवर्नमेंट को मामले को लेकर के और एक आपका 11 अगस्त वाला आदेश। उन तमाम आदेशों को लेकर के बहुत सी चीज़ें आपकी जो है वो कन्फ्यूजन में चली गई, ठीक है ना। कई राज्य परेशान हो गए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो योग्यताओं में शिथिलता है, अगर बीएड के छात्रों को लेकर के कोई गवर्नमेंट आगे बढ़ना चाहती है तो वो एमएचआरडी और एनसीटी इन दोनों के समकक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वो मांग करेंगे बीएड विद्यार्थियों को एलिजिबिलिटी में 5 वर्ष के लिए छूट देने की, ठीक है। और अब चूंकि बीएड की जो कंडीशन है इस समय काउंसलिंग की वो बद से बदतर हो चुकी है, मतलब स्पष्ट है कि इतनी सारी सीटें हैं, लगभग 2.5 लाख के ऊपर सीटें हैं, लेकिन सारी सीटें उनकी खाली जा रही हैं। और अधिकतर विद्यालयों ने अपनी बीएड की मान्यता को वापस करके डीएलएड और बीटीसी की मान्यता ले ली है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी समस्या है कि वो मतलब लखनऊ से लेकर के आपके पीएनपी तक दौड़ रहे हैं कि हमको डीएलएड की मान्यता मिल जाए, लेकिन अब समस्या इस बात की है कि डीएलएड की मान्यता नए संस्थानों को नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि 2026 में जब आपकी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश भर में लागू होगी तो वहाँ पे केवल इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड, 2 वर्षीय कोर्स और 3 वर्षीय बीएड कोर्स, यही पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। इसलिए अब किसी भी प्रकार की नई मान्यताओं से गवर्नमेंट बच रही है, पहला। दूसरा ये कि आगामी 2-3 वर्षों में जब बीएड की डिग्री पूरे जगह पर वैलिड होगी, भले ही वो इंटीग्रेटेड है, भले ही वो 4 वर्षीय है, भले ही वो 3 वर्षीय है, 2 वर्षीय है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो फैक्ट है, आप सभी लोगों में बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप फॉलोअप करिए, उसके बाद आप इनको सम्मिलित करिए। और फिर ऐसी क्या इमरजेंसी जो आप इनको सम्मिलित करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा ना कि हमें क्या दिखता है बीएड की डिग्रियों में जिसकी वजह से हम इनको एलिजिबल कर रहे हैं। और एनसीटी तो वही करेगा जो एमएचआरडी उसको निर्देशित करेगी। एमएचआरडी अपना होमवर्क कर रही है, तब से आरटीआई लग गई काफ़ी सारी और ये चीज़ें आप लोगों के सामने आई कि राज्य सरकारों को उन्होंने पत्र लिख दिया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है तो उसका तो अनुपालन करना ही पड़ेगा। जब एक लोअर कोर्ट भी आदेश करती है तो भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी शख्स हो, वो अपनी न्याय व्यवस्था का सम्मान करता है, ठीक है ना, वो उसको फॉलोअप करते हैं। उसी तरीके से इसमें भी आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब जब ये प्रक्रिया चल रही है, बहुत जगह से बीएड डिग्री धारक बाहर किए जा रहे हैं, कहीं अंदर किए जा रहे हैं, कई राज्यों ने स्पेशल अनुमति के लिए पत्र भी लिखा है जिसमें एमपी गवर्नमेंट सम्मिलित है, आपकी उत्तर प्रदेश शासन सम्मिलित है, साथ ही साथ आपका बिहार गवर्नमेंट भी, एक पटना हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका किया था, लेकिन याचिका का पर्पस जो है इनका वो क्लेरिफिकेशन का था, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने वाद विवाद किया है, मतलब बात बहस की है वहाँ पे और चीज़ों को स्पष्ट किया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग
सकारात्मक रहिए और सकारात्मक तरीके से सपोर्ट करिए, ठीक है ना। हम सभी लोगों का आज जो दिव्य और भव्य जो धरना प्रदर्शन होने चल रहा है, मुझे तो लगता है कि आज 15,000 से 20,000 विद्यार्थियों की संख्या होने वाली है। इतनी भारी संख्या में विद्यार्थियों का एकजुट होना अपने आप में भी गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है। आप सभी लोग भी सहयोग करिए, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में हम सभी लोग डिजिटल स्ट्राइक रखने चल रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट PMO और MHRD को टारगेट किया जाएगा BEd विद्यार्थियों के माध्यम से, ठीक है ना। पूरी प्लानिंग करने के बाद आप सभी लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय में विस्तृत बेंच को लेकर के भी आज वरिष्ठ वकीलों से वार्ता हुई है, और जो वरिष्ठ वकील हैं उनके समकक्ष उन तमाम मुद्दों को रखा गया है, और साथ ही साथ आपकी इन समस्याओं को भी रखा गया है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उन तमाम चीज़ों को भी रखा गया है। इसीलिए उसमें MHRD को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, और यही चाहते हैं, क्योंकि अभी तक याचिका तो हम लोग करना चाहता तो हम लोग कर चुके होते हैं याचिका, लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे MHRD सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को, अटॉर्नी जनरल को, मतलब वहाँ पे खड़ा करें और इस केस की पैरवी करवाएं, क्योंकि वो एक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे बोलते हैं कि आगामी समय में गवर्नमेंट करने क्या वाली है या गवर्नमेंट सोच क्या रही है, वो चाहती क्या है, ठीक है ना। ये हमारे वकील नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, ठीक है ना। और ये सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इनकी जो अर्हता होती है, जो इक्विवेलेंट होते हैं, ये न्यायमूर्तियों के समकक्ष होते हैं, ठीक है ना। वो भारत का सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को एक सिंबल, एक एडवांटेज तो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए अटॉर्नी जनरल खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि जो याचिका हम सभी लोग पुनर्विचार के लिए नहीं बल्कि संविधान पीठ में डालने चल रहे हैं, उसमें MHRD सॉलिसिटर जनरल को भेजे, और आप सभी लोगों की इन समस्याओं को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं BEd के डिग्री धारकों को, वो दिक्कतें उनकी दूर हो सके। आप लोग आपस में जो है छींटा खसी ना किया करिए, क्योंकि जो विद्यार्थी DLED या BTC हैं वो भी, उन्होंने भी समय लगाया है, धन खर्च किया है, मेहनत करी है, तब उन्होंने डिग्री हासिल की है। उसी तरीके से BEd के विद्यार्थी भी हैं, उन्होंने भी धन किया, खर्च किया है, डिग्री हासिल किया और मेहनत किया है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसे ही चलता रहे, ये तो सोच करके बैठ जाना कहीं के लिए न्याय नहीं है। और जो एक संगठन में एक फूट टाइप की थी कि कुछ लोगों का कुछ कहना था, कुछ लोगों का कुछ मानना था, कुछ लोगों का कुछ मानना था, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के एक मांग उठाइए, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में NCTE की संशोधित गाइडलाइन, मतलब भारत का राजपत्र, जो कि आप सभी लोगों की प्राथमिक की योग्यताओं को निर्धारित करेगा, इस मुद्दे को लेकर के एक अधिसूचना जारी होने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर होने वाला क्या है, आखिर BEd डिग्री धारकों को लेकर के केंद्र सरकार सोच क्या रही, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है ना। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में चुनाव है, और चुनाव अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक जागरूक है, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर 10-20 लाख की संख्या होती तो एक बार इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन इनकी संख्या करोड़ों में है, इसलिए इन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। आप क्या समझते हैं सरकार ऐसे ही बैठी हुई है, आप लोगों के विचारे विचार नहीं कर रही है? आप सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से PRT में सम्मिलित करने के लिए अंदर खाने में तैयारियां चल रही हैं, कार्य हो रहे हैं, ठीक है ना। अब भाई सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ इम्पैक्ट आप सभी लोगों को झेलना तो पड़ेगा ही, है ना। जैसे एक अगर उल्का पिंड गिरता है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है, है ना। भूकंप आता तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है। उसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है, ये केवल एक राज्य विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। आप सभी लोगों को धैर्यपूर्वक इस चैनल का सहयोग करना होगा, क्योंकि आप लोगों के मुद्दों को मैंने जीवंत रखा है, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार, और आज का धरना प्रदर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने चल रहा है। आज लखनऊ स्तर पर एक
विस्तृत शासन की एक मीटिंग भी है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एज रिलैक्सेशन और आपकी प्रतीक्षा सूचियों सहित उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो कि टीजीटी पीजीटी की आपकी नई वैकेंसी के लिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए, आरओ एआरओ के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, आज तमाम मुद्दों पर शासन स्तर पर चर्चा होगी। आप सभी लोगों को फाइनल रिपोर्ट जो प्रेषित किया जाएगा, जो दिया जाएगा, वो शाम की वीडियो में, अगर शाम की अपडेट मिल जाती है, टाइमली मीटिंग समाप्त हो जाती है, अपडेट आ जाती है, तो आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी आज हम सभी लोगों को एकजुट होकर के बीएड विद्यार्थियों की तकलीफों को सामने रखना है, क्योंकि कल कुछ विद्यार्थियों ने उप मुख्यमंत्री महोदय को पत्राचार किया था और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि बीएड डिग्री धारकों के साथ हम सभी लोग कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है और आप सभी लोगों को पुनर्सम्मिलित करने के लिए प्रक्रियाएं भी विचाराधीन है, चल रही हैं, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस कब तक ये फॉलोअप होगा, कब तक ये चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, इसके लिए आप लोगों को धैर्यपूर्वक इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को धैर्यपूर्वक कार्य करना होगा, ठीक है ना। अभी उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, अभी किसी भी प्रकार का कोई आपको ओकेजन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और जो विद्यार्थी अभी तक सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे थे वो विद्यार्थी अब टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी करें, ठीक है। 2023 के विज्ञापन के संबंध में भी विद्यार्थी पूछ रहे थे, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये विज्ञापन आपका नवंबर लास्ट वीक अथवा दिसंबर के द्वितीय सप्ताह तक जारी हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने चल रही है जिसमें 2900 पद आपके शिक्षा संस्था प्रधानों को होंगे, अर्थात प्रधानाचार्यों के होंगे। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आज काफ़ी सारी चीज़ों को जो माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली अधिनियम है उसमें संशोधन के लिए और आपके राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली के संशोधन आदि के लिए आज इन तमाम मुद्दों पर विचार किया जाएगा। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये चैनल आप लोगों के हितों के लिए कार्य करता है, आप सभी लोगों के हितों के लिए बात करता है और उसके लिए प्रयास भी करता है। तो आप लोग इस चैनल को सहयोग करना शुरू करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना शुरू करिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन का इंतज़ार अब बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाला है। मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपनी OTR जरूर कर लें, ठीक है ना। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।